हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट कुछ वीडियोस में जिस तरीके से आप लोगों ने कमेंट्स किए, मैंने भी कोशिश की कि मैं सभी कमेंट्स के आंसर कर सकूं, और मैंने किए भी हैं। मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि बहुत ज़्यादा लोगों ने बातचीत की, पर कमेंट्स में सभी को रिप्लाई करने में एक प्रॉब्लम यह आती है कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि काफ़ी लोगों के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सेम होते हैं, तो और उन्हीं सेम क्वेश्चंस का रिप्लाई करने के लिए सेम आंसर सभी को देना पॉसिबल नहीं हो पाता। उसके कुछ सॉल्यूशंस हैं, जैसे कि आप कुछ भी चीज़ पूछना चाहते हैं किसी भी यूट्यूब चैनल पे हो, तो उससे पहले आप एक बार उसे गूगल सर्च कर लें खुद ही। उससे आपका एक फ़ायदा ये होगा कि आपको रिप्लाई तुरंत मिलेगा, और दूसरा उसके साथ साथ आप दो चार चीज़ें नई और सीख जाएंगे। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए काफ़ी लोगों ने कट ऑफ पूछी है, कट ऑफ क्या जाती है, तो कट ऑफ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप गूगल करेंगे तो आपको इमीडिएट आंसर मिल जाएगा। तो ये मेरी एडवाइस है आपसे, एज ए सीनियर ये मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि आप गूगल की काफ़ी हेल्प लें। इससे आप खुद पर ही डिपेंडेंट रहेंगे, दूसरों के रिप्लाई का वेट नहीं करना पड़ेगा आपको। दूसरा सोल्यूशन इसका ये है कि जो ऑलरेडी कमेंट्स हैं उनको एक बार जल्दी से स्क्रोल कर लीजिए, हो सकता है आपका आंसर उनमें आपको मिल जाए। और जो तीसरा सोल्यूशन ये है कि सभी को टाइप करना पॉसिबल नहीं होता, तो हम लाइव क्लास करेंगे, लाइव सेशन करेंगे, और उस पर हम ढेर सारी बातें कर सकते हैं। बट लाइव सेशन करने के लिए आप सभी को बताएं कि कुछ यूट्यूब पर मिनिमम सब्सक्राइबर्स की एक बाउंडेशन है कि 1000 सब्सक्राइबर्स होने ही चाहिए, तो अभी हम उस लिमिट को क्रॉस नहीं कर पाए हैं। जैसे ही हम उस लिमिट को क्रॉस करेंगे, मैं इतना तो प्रॉमिस कर सकता हूँ कि मैं हफ्ते में एक लाइव सेशन ज़रूर कर सकता हूँ। लाइव सेशन में क्या होगा कि ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर कम समय में देना पॉसिबल होता है, क्योंकि जैसे ही क्वेश्चंस आएंगे हम उनका जवाब तुरंत आपको दे सकते हैं। जो कमेंट्स आए उसमें सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स आए मैंने देखा वो स्ट्रेटजी से रिलेटेड थे कि सर हमें स्ट्रेटजी बताइए, हम कैसे पढ़ें, हमारा टाइम टेबल क्या होना चाहिए। एक व्यूअर है हमारे, उन्होंने कमेंट किया कि मैं एक सब्जेक्ट पढ़ता हूँ तो दूसरा छूट जाता है, दूसरा पढ़ता हूँ तो पहला छूट जाता है, तो हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ये काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कहा। तो स्ट्रेटजी बताने के पहले सबसे ये जानना ज़रूरी है कि स्ट्रेटजी क्यों ज़रूरी होती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और आपको एक फ़र्स्ट क्लास को एग्ज़ाम देना है, तो क्या आपको किसी स्ट्रेटजी की ज़रूरत होगी? आपको किसी स्ट्रेटजी की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आप जो काम करने जा रहे हैं वो एक आसान सा काम है और वो आप कर सकते हैं। लेकिन जब कोई काम ऐसा होता है जो कठिन होता है, मुश्किल होता है, या हम कहें कि वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होता है, जैसे कि हमारे एग्ज़ाम्स हैं, तो उस काम को करने के लिए एक स्ट्रेटजी ज़रूरी होती है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है तो या तो आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा या तो आप उसे नहीं कर पाएंगे। ये दो बातें सच हैं। आपने अब्राहम लिंकन का एक कोट पढ़ा होगा कि मैं उसे हिंदी में बता देता हूँ कि अगर मेरे पास एक पेड़ को काटने के लिए 10 घंटे हैं तो मैं 6 घंटे अपनी कुल्हाड़ी को तेज़ करने में समय बिताऊँगा। तो कुल्हाड़ी को तेज़ करने का मतलब यही है कि मैं अपनी स्ट्रेटजी बनाऊँगा, क्योंकि अगर स्ट्रेटजी एक बार बन जाती है तो काम तो बहुत जल्दी हो जाता है। तो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए अगर हमें कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालना है या हमें SSC क्वालिफ़ाई करना है? तो चूँकि मैं CGL क्वालिफ़ाई कर चुका हूँ और दो बार क्वालिफ़ाई कर चुका हूँ, इसलिए मैं CGL की स्ट्रेटजी ही बताता हूँ। लेकिन हाँ, अगर आप इसे सुनेंगे तो अगर आप CHSL की या किसी भी दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो इसके लेवल का है या इससे नीचे के लेवल का है, जैसे बैंकिंग हो, सेम लेवल के एग्ज़ाम है, तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी। स्ट्रेटजी के जो सबसे पहला पार्ट होता है वो होता है टाइम टेबल। टाइम टेबल से मतलब ये है कि आपका डेली शेड्यूल फिक्स होना चाहिए कि आपको क्या करना है, कितना करना है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 50 क्वेश्चंस लगाइए तो आपको लगेगा कि बहुत कम है, लेकिन अगर आप 50 क्वेश्चंस इनटू 30 डेज कर दें तो ये 1500 क्वेश्चन होते हैं, और इस इनटू अगर आप 12 मंथ्स कर देते हैं तो ये 18000 क्वेश्चंस होते हैं। तो ये होता है एक छोटा सा प्रयास सिर्फ 50 क्वेश्चंस का। और अगर कोई इसी को सिर्फ 50 से 100 कर देता है तो उसके 1 ईयर में जो क्वेश्चंस होते हैं वो 36000 होते हैं। आप सोच के देखिए, अगर 36000 क्वेश्चन लगाने के बाद आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो लगता है आपको कि आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है।
अगर आपको लगता है तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि जब मैंने मेंस दिया तो मेंस के 100 क्वेश्चंस में से 15 क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे कि आप उनको देख के सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा और ऐसे ही टिक मार देंगे। ये तब आता है जब आपने 36,000 क्वेश्चन लगा रखे हों। तो आज हम स्ट्रेटजी के पहले टाइम टेबल के बारे में बात करते हैं और फिर स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं। तो टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए, जैसे मैंने देखा है काफ़ी बच्चे एक लिस्ट बनाते हैं, उसमें लिख देते हैं वेकअप एट 5 AM, एक्सरसाइज एट 5:30, ब्रेकफास्ट एट 6, या जो भी है, आप इशारा समझ गए होंगे। ये टाइम टेबल लिखने में जितना आसान लगता है उसको फॉलो करना उतना ही मुश्किल होता है। तो मैं इन चीज़ों को बड़ा सरल करूँगा आपके लिए, क्योंकि ये जो सफ़र है ये हफ्ते, 10 दिन या महीने भर का नहीं है, ये 1.5 से 2 साल का सफ़र है। कम से कम मेरा अनुभव तो यही कहता है, क्योंकि मैं आपको कोई जादू नहीं दे सकता, जैसे लोग आजकल जादू आपको दे देते हैं, हाउ टू क्वालिफाई CGL इन 2 मंथ्स। कोई कोई बता देता है हाउ टू क्वालिफाई CGL इन 1 मंथ। तो हो सकता है उनके पास कोई स्ट्रेटजी हो और आपको काम कर जाए, मैं मना नहीं कर रहा क्योंकि सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन कम से कम मेरे पास तो नहीं है। तो टाइम टेबल हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए, टाइम टेबल हमारा पढ़ाई का सिर्फ इतना होना चाहिए कि मुझे 8 घंटे 9 घंटे पढ़ना है। वो आप 24 घंटे में अपने अकॉर्डिंग मैनेज करें। आप दिन में पढ़ सकते हैं दिन में पढ़िए, रात में पढ़ सकते हैं रात में पढ़िए, आप 4-5 घंटे दिन में पढ़िए, 4-5 घंटे रात में पढ़िए, जैसे आपको सूटेबल हो वैसे पढ़िए। अगर आपको टाइम टेबल के किसी हिस्से से प्रॉब्लम हो रही है या आप उसमें सूटेबल नहीं हो पा रहे हैं, तो आप टाइम टेबल बदलिए, क्योंकि आपका सफ़र लंबा है। तो जब लंबा सफ़र होता है तो सीट थोड़ी कम्फर्टेबल होनी चाहिए, क्योंकि लंबा सफ़र कठिनाई से नहीं कट सकता, जब आप आराम से उसको फॉलो करेंगे तभी लंबा सफ़र कटेगा। अब इस 8-9 घंटे को हमें कैसे यूज़ करना है, इस पर बात करते हैं। तो अगर आप देखें तो CGL में 700 का टोटल होता है, और 700 में 250 की यानी 250 की मैथ्स और 250 की इंग्लिश आती है, तो ये टोटल हो गया 500। इसका मतलब 70% सिलेबस जो है मैथ्स और इंग्लिश है, तो आपकी जो प्रिपरेशन के टाइम है उसका भी 70% इन्हीं दोनों सब्जेक्ट में लगना चाहिए, कम से कम 70%। तो अगर आप 9 घंटे पढ़ रहे हैं तो इसका 70% कर लीजिए, यानी लगभग 6 आवर्स आपके मैथ्स और इंग्लिश में होने चाहिए। तो जिनको मैथ्स और इंग्लिश में लग रहा है कि बराबर मेहनत करनी है, वो 3-3 घंटे कर लें। जिन्हें लग रहा है मैथ्स में ज़्यादा करनी है, इंग्लिश में ठीक है चल जाएगा, तो वो इंग्लिश में 2 घंटे कर लें, मैथ्स में 4 घंटे कर लें, अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर लें। मैं आपको ये कहूँगा कि आप मैथ्स में 4 घंटे रखिए कम से कम, क्योंकि मैथ्स में प्रैक्टिस करनी होती है और प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे जिनमें टाइम लगेगा। इंग्लिश के लिए अगर आप 2 से 2.5 घंटे पढ़ते हैं तो 1 साल अगर आप ऐसा करते हैं, क्योंकि एक दिन में तो कुछ नहीं होगा, चाहे आप एक दिन में 24 घंटे पढ़ लें, अगर आप 1 साल का आपका प्रिपरेशन का टाइम है तो उसमें आप 2 से 2.5 घंटे लेके चलते हैं तो ये मोर देन इनफ है, आपका पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से ख़त्म हो जाएगा। तो जो 8-9 घंटे का टाइम था उसमें हमने 6 घंटे का ये डिस्कस कर लिया कि मैथ्स और इंग्लिश में कैसे डिवाइड करना है। बाकी जो बचा टाइम है उसमें आप सिर्फ 1 घंटे रीजनिंग को दीजिए और 1 से 1.5 घंटे GS को दीजिए, ये आपका 8 से 9 घंटे का पूरा शेड्यूल हो गया। अब उस मैथ्स में क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है, इस पर बात कर लेते हैं। तो पहले मैं मैथ्स की बात करता हूँ। मैथ्स में आप सबसे पहले तो अपना एक बार सिलेबस ख़त्म कर लीजिए, किसी भी कोचिंग में जाइए, ऑनलाइन पढ़िए। जो प्रिपरेशन करने वाले अच्छे लड़के हैं, प्रिपरेशन तो सब कर ही रहे हैं, लेकिन आपको जिनको देख के लगता है कि नहीं ये सिलेक्ट हो जाएगा, अगर आपको लग रहा है ये सिलेक्ट होने वाला बंदा है तो उसके साथ लग जाइए। मैथ्स में आपका डेली टारगेट ये होना चाहिए कि जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप 50 क्वेश्चन डेली से शुरुआत करें, 50 क्वेश्चन पर डे आपको करने हैं। ये मैं बिल्कुल उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो बिगिनर्स हैं। अगर आपके 3-4 महीने हो चुके हैं तो आपको इसे बढ़ा के 50 से 75, 75 से 80, 85 करते हुए 100 तक ले जाना है। आप 100 के ऊपर मत जाइए, उससे ज़्यादा लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपके 100 क्वेश्चन पर डे लग रहे हैं, आपकी एक कॉपी मेंटेन है, आपने 1 तारीख को शुरू किया और 30 तारीख को आपके 3,000 पहुँच गए, आप बिल्कुल सही ट्रैक पर चल रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। 1 साल के बाद आप सफलता के पास पहुँच जाएंगे अपने आप। तो 50 क्वेश्चन से शुरुआत कीजिए पर डे और 100 क्वेश्चन तक इसे ले जाइए, धीरे धीरे 2-3 महीने में चला जाएगा। 100 क्वेश्चन लगाने में आपको 3 घंटे से ज़्यादा समय नहीं लगने चाहिए ड्यूरिंग प्रिपरेशन फेज में, क्योंकि एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन लगाने के लिए आपके पास सिर्फ 2 घंटे हैं। तो जब आप घर पे लगा रहे हैं, आपको समझना भी है, उसको लिखना भी है,
और अब हो सकता है कुछ लोग कॉपी में ऐसे लिखें कि दोबारा भी देख सकें, तो 3 घंटे में आपके 100 क्वेश्चन लग जाने चाहिए। शुरुआत में आपको 4 घंटे भी लगेंगे, पर इसे आप 3 घंटे 2.5 घंटे तक लेके आइए। जब ऐसा करते करते 5-6 महीने हो जाएंगे तो फिर आपको 100 क्वेश्चन लगाने में 2 घंटे ही लगेंगे। क्यों? क्योंकि 100 में से 30-40 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आपने क्वेश्चन देखा, पेन से लिखा, बस सॉल्व हो गया, तो वो ऐसे निकल गए, बाकी जो थोड़ा सा लेंदी हैं उन्हें आप सॉल्व कर लेंगे। तो ये मैथ्स का एक मैंने जनरल आइडिया आपको दे दिया, आगे मैं आपको और एक्सप्लेन वे में बता दूंगा, अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसी तरीके आपको रीजनिंग में क्या करना है, अगर आपको रीजनिंग बिल्कुल नहीं आती तो सबसे पहले आपको क्लास ज्वाइन करनी ही पड़ेगी और आप उसको कीजिए, चाहे आप फिज़िकली कहीं टीचर के पास जा कर पढ़िए या आप ऑनलाइन पढ़िए। अगर आपको थोड़ी थोड़ी आती है तो आप YouTube में बहुत सारे अच्छे टीचर्स ने पढ़ाया हुआ है, उनको देख के जो थोड़ी थोड़ी आती है उसको पूरी पूरी कर लीजिए। और अगर आपको रीजनिंग ऐसी आती है कि आपके 30-35 नंबर आ रहे हैं तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप हफ्ते में 3 से 4 50-50 क्वेश्चन के टेस्ट लगाइए। जैसे आजकल तो 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप 25-25 के 2 लगा लीजिए। तो रीजनिंग में अगर आप सिर्फ इतना कर लेते हैं तो आपकी रीजनिंग अपने आप कवर हो जाएगी, क्योंकि जब आप मैथ्स और इंग्लिश पढ़ रहे होंगे एक साल की जो तैयारी होगी उस समय जब आप रीजनिंग में थोड़ा थोड़ा भी कर रहे होंगे तो रीजनिंग अपने आप आपकी अच्छी हो जाएगी। आपके 50 में 46-48 का टारगेट रख के पढ़िए, क्योंकि रीजनिंग में स्कोर किया जा सकता है और वहाँ से आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। GS की बात करें तो GS को लेके पहली चीज़ तो ये, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपका PCS है टारगेट, IAS है, तो आप GS पढ़िए। अगर आपका CGL है टारगेट तो आप GS को लेके परेशान मत होइए। क्यों नहीं होना? क्योंकि 700 का टोटल है, उसमें 50 मार्क्स की आती है, यानी 7% है। और मैंने देखा है कि कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि 7% सिलेबस को कवर करने के लिए उसको 70% की टेंशन देते हैं। ये गलत है, वो 7% है। अगर आप GS में 25 मार्क्स भी ले आते हैं तो आपको बहुत अच्छे से एग्ज़ाम निकल जाएगा। हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपका टारगेट SSC है, CGL है, तो आपका सिलेक्शन GS से ना होने वाला है ना रुकने वाला है। आपकी GS चाहे जितनी अच्छी हो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपकी GS ख़राब है तो आपका सिलेक्शन रुकेगा नहीं। लेकिन आपका सिलेक्शन होना या ना होना मैथ्स और इंग्लिश पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि नंबर ज़्यादा उसी के हैं। तो GS को लेके पहले तो परेशान होना बंद कर दीजिए। दूसरी चीज़, अगर आपको GS टफ लगती है तो सबको लगती है, मुझे भी लगती थी, मेरे भी ज़्यादा मार्क्स नहीं थे। जब मैंने पहली बार CGL दिया तो मेरे 50 में 16 नंबर थे, जब मैंने दूसरी बार दिया तो मेरे 22 नंबर थे। फिर भी सिलेक्शन भी हो गया पहली बार भी, और दूसरी बार CGL टॉप भी हो गया। GS को लेके मत परेशान होइए बिल्कुल भी। GS में आपको सिर्फ 2 से 3 चीज़ें करनी है। पहली, आप GS की एक घटना चक्र ले लीजिए जिसमें लास्ट ईयर के क्वेश्चंस का कंपाइलेशन होता है। अगर घटना चक्र मिल जाती तो ठीक है, किसी भी नाम से मिलती है, आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चंस का कंपाइलेशन लेना है। उससे आपको स्टैटिक पार्ट कवर करना है। स्टैटिक पार्ट का मतलब होता है जो करंट अफेयर्स नहीं होता, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, साइंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री, जो बायोलॉजी, ये फिक्स होता है। अगर उसने न्यूटन का फर्स्ट लॉ पूछा है तो जो 10 साल पहले आंसर था वही आज भी है। अगर उसने ज्योग्राफी में पूछा है कि भारत का क्षेत्रफल के लिहाज से कौन सा स्थान है, तो जो 10 साल पहले था आंसर वही आज भी है। तो स्टैटिक पार्ट आप उससे कवर कीजिए, उसको रोज़ पढ़िए, रटिए मत, पढ़िए, रोज़ पढ़िए, रोज़ पढ़िए। अगर वो बुक ख़त्म हो जाए फिर दोबारा पढ़िए। 1 घंटे पढ़ेंगे तो आप 1 घंटे में कम से कम 30-40-30 पेज तो पढ़ ही लेंगे। एक पेज में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है घटना चक्र में, 5-5-6-6 क्वेश्चन होते हैं एक पेज में, उसको पढ़िए। वो ख़त्म हो जाएगी पढ़ते पढ़ते, फिर दोबारा शुरू कर दीजिए, फिर तीसरी बार शुरू कर दीजिए। एग्ज़ाम टाइम आए तो उसका शेड्यूल अलग है, वो मैं आपको एक अलग वीडियो में बता दूंगा कि एग्ज़ाम के पहले कैसे पढ़ते हैं। ये आपका नॉर्मल प्रिपरेशन का फेस है। तो पहला तो हुआ स्टैटिक पार्ट के लिए घटना चक्र। दूसरा, एक ऑनलाइन कोई यूट्यूब चैनल फॉलो कर लीजिए जो अच्छे से करंट अफेयर्स पढ़ाता हो आपकी लैंग्वेज में। अगर आपको इंग्लिश पसंद है तो इंग्लिश में, हिंदी पसंद है तो हिंदी में, क्योंकि पेपर दोनों में आता है। तो उस यूट्यूब चैनल को रिलीजियसली पढ़िए। अगर आपको लगता है कि नोट्स बनाने चाहिए तो नोट्स भी बनाइए, वो आपकी जिम्मेदारी है, वो आपको बनाने चाहिए। और तीसरा एक काम ये कीजिए कि आसपास न्यूज़ सुनिए, जो भी आपको लग रहा है अपने कान खुले रखिए, बस न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए। आप तैयारी कर रहे हैं तो अपने कान थोड़ा सा खुले रखिए, बस ये आपको 3 काम GS के लिए करने हैं। इससे ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है और परेशान नहीं होना, क्योंकि अगर आप परेशान होंगे तो आपकी जो बाकी तैयारी है उस पर इफ़ेक्ट आ जाएगा। GS का इम्पोर्टेंस केवल 7% का है और आपको 7% टेंशन ही उसे देनी है, न कम न ज़्यादा। अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के लिए मैं यही कहूँगा कि कृत्रिम के मार्क्स मुझसे हमेशा ज़्यादा आए हैं इंग्लिश में, तो वही आपको एक अच्छा वीडियो बना के जल्दी दे देगी।
तो आप इंग्लिश की स्ट्रेटजी उससे सीखेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा कि वो क्या करती है, कैसे उसके मार्क्स आते हैं, वो भी एक दो दिन में पोस्ट कर देगी। तो इंग्लिश का वीडियो जो है वो आप कृत्रिम से देख लीजिएगा, आपको उसकी स्ट्रेटजी काफ़ी हेल्पफुल लगेगी। उसके मार्क्स मुझसे हमेशा प्री में भी ज़्यादा रहे, मेंस में भी ज़्यादा रहे। तो ये एक ओवरऑल सिंपल स्ट्रेटजी है, इसको आप शुरुआत जो ये बिगिनर्स हैं जिन्हें कुछ भी नहीं समझ आ रहा और इस समय क्लासेस भी बंद हैं, उसे आप फॉलो कीजिए, शुरुआत कीजिए। सबसे कठिन चीज़ क्या होती है ये मैं आपको बता देता हूँ। आप सबको पता है कि सुबह उठेंगे, वॉक पर जाएंगे तो हेल्थ अच्छी रहेगी, आप भी सोचते होंगे, पर आप में से कितने लोग जा पाते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, आप सभी को पता है कि सबको अच्छी बॉडी चाहिए होती है, सभी को चेस्ट, एब्स, बाइसेप्स, सभी को अच्छे चाहिए होते हैं। और आप दूसरे जो एक्टर्स होते हैं या जो भी अच्छे बॉडी बिल्डर हैं उनको देखते हैं तो आपको भी लगता है कि उनकी बॉडी हो, आपकी बॉडी उनके जैसी हो। लेकिन उसके लिए क्या करना होता है कि जिम जाना होता है, आपने ज्वाइन भी की लेकिन आप कितने दिन गए, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, बस इससे ज़्यादा तो आप नहीं गए होंगे। तो यही अंतर यहाँ पर भी है, यही यहाँ कोयल बोल रही है, मैं अपने घर पे बैठा हुआ हूँ इसलिए उसकी आवाज़ आपको आ रही होगी। तो डिसिप्लिन का जो मेन फ़र्क है वही है, यही तैयारी का फेस इसमें भी यही होता है, वही बुक्स होती हैं, वही बच्चे आपके जैसे ही होते हैं पढ़ने वाले, टॉपर कुछ भी अलग नहीं होते, बस ये होता है कि वो कंटिन्यूस 1-1.5 साल को उसी चीज़ को फॉलो करते रहते हैं। लेकिन काफ़ी लोग उसको बीच से छोड़ देते हैं, तो जो छोड़ देते हैं उनकी तैयारी डंप हो जाती है, और जो करते रहते हैं उनकी तैयारी दिन प्रतिदिन अच्छी होती जाती है। और जो मैंने फार्मूला आपको पहले बताया था कि जो नया बच्चा होता है और 50 क्वेश्चन से शुरुआत करता है और वो अपने क्वेश्चंस नहीं बढ़ाता, वो भी 1 साल के जब ख़त्म होता है तो उसके 18,000 मैथ्स के क्वेश्चन लग चुके होते हैं। और आप बताओ कि 18,000 क्वेश्चन लगाने के बाद जब कोई प्री में या मेंस में बैठता है तो वो कैसे फेल हो सकता है, आप बताओ। मैंने 2 साल लगभग तैयारी की थी क्योंकि मैं ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में ही शुरू कर दी थी और मैं 100 क्वेश्चन पढ़ने वाला था, शुरुआत में मैंने 50 लगाए होंगे, तो आप ये मान लो 1 साल तो मैंने 100 क्वेश्चन लगाए तो 36,000 क्वेश्चन वो, और 1 साल के 50 मान लो तो 18,000 वो, तो 54,000 क्वेश्चन या राउंड ऑफ कर दो 50,000 क्वेश्चन मैंने लगाए हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि टॉपर्स के पास कुछ जादू है तो ऐसा नहीं है, मैंने 50,000 क्वेश्चन लगाए इसलिए मेरा एग्ज़ाम अच्छा हुआ, मेरे पहले मैथ्स में मेंस में आए थे 184 और दूसरी बार जब मैंने CGL 16 में टॉप किया था मेरे प्री में 50 आउट ऑफ 50 थे और मेंस में 186 थे आउट ऑफ 200। तो ये मार्क्स लाने एग्ज़ाम में मुझे बिल्कुल कठिन नहीं लगे क्योंकि मैंने उस समय प्रिपरेशन की थी। यही सीक्रेट है, बिना किसी के पीछे भागे हुए, बिना जादू की कोई, जैसे जादू हो जाए इस तरीके का कोई होप किए हुए, आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए 1 से 1.5 साल की और उसके बाद आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। आपको मैं सच बताऊं, आपको रिज़ल्ट इसलिए मिल जाएगा क्योंकि कोई इतना करता ही नहीं है, जब आप इतना करोगे आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको जो स्ट्रेटजी वाला डाउट था वो काफ़ी क्लियर हुआ होगा। इस पर और वीडियोज़ मैं लाऊंगा क्योंकि मैं और इस पर आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। इंग्लिश के लिए कृत्रिम का वीडियो आएगा, आप उसको देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।